सो हेलो कैप्टन्स ऑफ बॉम्बे, आपका स्वागत है और एक एपिसोड शॉर्ट कॉर्नर्स में। और शॉर्ट कॉर्नर्स एक ऐसा सेक्शन है और एक ऐसा वीडियो सेक्शन है जहां पे हम लोग कोचेस, स्काउट्स, एनालिस्ट, डायरेक्टर्स, इन सब लोगों को ले आते हैं ताकि आपको इंडियन फुटबॉल और वर्ल्ड फुटबॉल के काफ़ी सारे डिटेल्स को और खेल के इंटरनल डिफरेंट टैक्टिक्स को समझने में आसानी हो। और आज हमारे साथ है इंडियन फुटबॉल और कोलकाता फुटबॉल के वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड्स, द मैन विद 33 इंटरनेशनल कैप्स, मेहताब हुसैन। सो मेहताब सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ सब ठीक है, ठीक ठाक है। सो थैंक यू सर, मैं बहुत अच्छा हूँ एंड इट्स अ बिग बिग प्लेजर फॉर मी टू होस्ट यू। मैं इतने दिन आपको टीवी में खेलते हुए देखा, सो आपके साथ जो लाइव बैठे हुए इंटरव्यू ले रहा हूँ, सो इट्स अ बिग बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे सर। आप जब एक अपकमिंग प्लेयर थे, यू केम अप फ्रॉम मोहन बागान एकेडमी से, आप आके अपने कुछ सीजन खेलने के बाद ONGC में ट्रांसफर लिया, जो उस समय एक लेवल डाउन ही बोला जा सकता है। उसके बाद एक सीजन बहुत अच्छा खेलने के बाद और सारे जगह में बहुत सारे प्रेस के बाद आपने ईस्ट बंगाल में साइन किया एक सर के बाद। सो सर, वो मेंटल अप्रोच और आपके मेंटली क्या चल रहा था जब आप मोहन बागान से ONGC आए, ONGC से फिर ईस्ट बंगाल जैसे बड़े क्लब में साइन किया? मोहन बागान चार साल खेलने के बाद मैं ONGC के लिए 2 मैच खेला हूँ। मैं ONGC जॉब करता था, मैं प्रोफेशनल फुटबॉल खेलने के लिए, क्योंकि मैं उस टाइम में सोच रहा था कि मैं क्या करूँ, मैं इतना हार्ड वर्क करने किया है छोटा से, उसके बाद मैं क्या फुटबॉल छोड़ दूँ ONGC जॉब के लिए। तो मैं सोचा नहीं, चलो जॉब छोड़ता हूँ, फुटबॉल नहीं छोड़ूंगा। तो मैं उस टाइम में मैं जॉब छोड़ दिया था। देन उस टाइम में मुझे ट्रांसफर कर दिया था उन लोग मुंबई में। मुंबई जाने के बाद मैं सोचा मैं क्या करूं, मेरे साथ क्या कर रहा हूं मैं जो हार्ड वर्क, मेरा छोटा से जो सपना देश का होके खेलना है, ईस्ट बंगाल मोहन बागान का होके खेलना है, वाई क्यों, मैं क्यों, मैं फुटबॉल के बिना अधूरा हूँ। तो मैं सोचा चलो ONGC जॉब है, मैं फिर जॉब तो मिल जाएगा मगर फुटबॉल मेरे को और नहीं मिलेगा। मैं एक बार छोड़ दिया फुटबॉल, सिर्फ ONGC का होके खेला, ONGC जॉब किया, बस मेरे को कोई पहचाने का नहीं कौन मेहताब है, बस जहाँ से शुरू था वहीं से खत्म हो जाता और कोई भाव नहीं, मैंने कोई पहचानता ही नहीं मेरे को। तो जिसमें से मेरे को खुशी मिल रहा था तो मैं वही चूज किया मैं। तो मैं जॉब छोड़ा, सीधा मोहन बागान में आया 2 मैच खेलने के बाद मुंबई से। एक शायद यार इंडिया के साथ खेला था मैं और एक शायद साउथ सेंट्रल रेलवे के साथ खेला था वहाँ कोलकाता मैंने मुंबई लीग में। उसके बाद जो रिटर्न करने के बाद मैं मोहन बागान ज्वाइन किया। देन नेक्स्ट ईयर 4 साल खेलने के बाद नेक्स्ट ईयर मैं इमीडिएटली ईस्ट बंगाल से ज्वाइन किया, क्योंकि उस टाइम मेरा पैर ACL इंजरी हुआ था। तो शायद ईस्ट मोहन बागान ऑफिशियल सोचा था वो फॉर्म में नहीं फिर रिटर्न नहीं कर पाएगा। तो ये ऊपर वाला अल्लाह का रहम है, भगवान बोलो अल्लाह बोलो सभी एक है। तो ईस्ट बंगाल आने के बाद मैं बेस्ट इंडियन प्लेयर हो गया, ईस्ट बंगाल आने के बाद बेस्ट इंडियन मिडफील्डर मैं बना। तो वो लोग सोचा था ये ख़त्म हो गया, चलो कोई बात नहीं, वो उन लोग जो किया वो मेरा अच्छा हुआ, जो करता है ऊपर वाला अच्छा के लिए करता है, तो चलो कोई बात नहीं। मैं वो मन में कभी मैं किसी के बात रखता नहीं हूँ, तो अच्छा हुआ, जो भी होता है अच्छा के लिए होता है, मेरे लिए अच्छा हुआ। मैं जॉब छोड़ा, एक तो अच्छा हुआ, दूसरा मेरे को सोचा लोग नहीं ये रिटर्न नहीं। मैं जब लिगामेंट इंजरी था तो मैं स्ट्रगल कर रहा था परफॉर्मेंस के, तो उस टाइम में मैं जॉब छोड़ दिया था। मैं स्ट्रगल कर रहा था मेरा परफॉर्मेंस लेके, मेरा ये लेके, तो मैं सोचा नहीं चलो ना कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, या इस पार वो उस पार, मगर मैं फुटबॉल नहीं छोड़ूंगा। तो सर, आपने जो बोला आपको एक ACL इंजरी हुआ था, सो मुझे ये क्वेश्चन दिमाग में आया कि आपने 20 साल फुटबॉल खेले जो इंडियन फुटबॉल में बहुत बहुत रेयर है, और अब बहुत ही वेल रिस्पेक्टेड और फैन फेवरेट तो थे ही, और एक चीज था आपके फिटनेस और आपके एथिक और अपने वर्किंग स्टाइल के लिए आप फेमस थे, फॉर योर आप शटलिंग मूव, बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर, CDM, जिस पोजीशन में आपको लगा टीम ने आपको खेला और आपने बहुत अच्छा खेला। सो सर, इतने साल तक आपने ये फिटनेस मेंटेन कैसे किया, दैट टू आफ्टर ACL इंजरी, क्योंकि ACL इंजरी से बहुत प्लेयर्स के करियर खत्म हो जाते हैं, करियर खत्म हो जाता है, राइट। मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ, थैंक्स टू जोशी सर,
जो मेरा नी ऑपरेशन किया, परफेक्ट इंजरी, परफेक्ट मैं ऑपरेशन किया था। उसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे, मैं तीन रात 3 बजे तक मैं हार्ड वर्क करता था कि मैं कैसा कम बैक कर पाऊँ। सारा दिन मैं एक्सरसाइज करता था, दिन में एक घंटा शायद रेस्ट लेता था, फिर स्टार्ट करता था, फिर रेस्ट लेता था, फिर रात 3 बजे तक। कुछ मेरा भैया लोग थे, मेरा बहुत हेल्प किए बराईपुर में, अमित दास दादा थे जो फुटबॉल के पहले एक्स प्लेयर थे, मेरा आइडल, बहुत हेल्प किए, तो उन लोग भी हेल्प किए। मगर मेरा जो वो जो ये था ना कि नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए मैं कम बैक करूंगा। और आप बिलीव नहीं कर पाओगे भाई कि मैं 6 मंथ्स आफ्टर 6 मंथ्स मैं फेडरेशन कप में खेला था आफ्टर ईसीएल इंजरी के बाद। तो भौमिक सर जिंदा थे उस टाइम, वो मॉडर्न के कोच थे, तो वो बोले आप क्या जानवर आदमी है क्या, आप क्या इंसान नहीं है, 6 मंथ के बाद कोई खेलता है क्या। अब वो फर्स्ट मैच में मेरा विवा केरला के साथ मैच था शायद, हाँ विवा केरला के साथ मैच था फेडरेशन का, उस मैच में मैं 2 गोल मारा था, एक गोल मैं बैरेटो के बैरेटो को मैं असिस्ट किया था, एक गोल बाइचुंग को असिस्ट किया था। तो बैरेटो भाई भी था और बाइचुंग भाई भी था उस टीम में। तो वो जो आपके अंदर रहता है ना किला इंस्टिंग, वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अपना कैरेक्टर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ भी हो जाए मैं उस जगह से मैं अपना एम मैं कैरेक्टर कभी छोड़ना नहीं है। और हमेशा कि जब भी आप ग्राउंड में मैं जब भी उतरता था, मैं जब भी प्रैक्टिस करता था, मैं हमेशा अपने आप को बोलता था यस आई एम द बेस्ट। मैं कहीं भी 22 आदमी खेलेगा तुम्हें, हाँ हर टाइम आप बेस्ट नहीं हो पाओगे, मगर मैं फील करता था जब ग्राउंड में, मेरा हाइट छोटा है, मैं जब मैं ग्राउंड में उतरता था मुझे लगता था मैं 6 फुट का इंसान हूँ। फर्स्ट थिंग कोई भी प्लेयर के लिए, कोई भी इंसान के लिए, कोई भी प्रोफेशन में, फर्स्ट थिंग ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, आपको सैक्रिफाइस, सब कुछ करना है आपको, तभी आप एक प्रॉपर इंसान बनोगे, प्रॉपर प्लेयर बन सकते हो। आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ऑनेस्टी रहना पड़ेगा, सब कुछ हार्डवर्क करना पड़ेगा, मैंने फिर भी एक तब आप एक जाके कंप्लीट प्लेयर, एक कंप्लीट मैन, एक ये होता है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल होने वाला है, ये जो मैं पूछने वाला है वो है, आपने फुटबॉल खेला इतने सालों तक, आपने इंडियन कोचेस के अंडर भी खेला, फॉरेन कोचेस के अंडर भी खेला, सो सर एक कोच में क्या क्वालिटी होनी चाहिए जो एक कोच को कोच से अच्छा कोच बनाती है? एक ही थिंग है, दो चीज, एक है आप प्रैक्टिस में कभी बोरिंग नहीं हो, एक प्लेयर को चाहिए जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस में कभी बोरिंग, मैं आज सो रहा हूँ, आज प्रैक्टिस करके आया हूँ, कल प्रैक्टिस जाऊँगा, बोरिंग नहीं होना चाहिए, एक प्लेयर बोर नहीं होना चाहिए कि अरे यार क्या मैंने क्या कोच है, एक ही जैसा प्रैक्टिस कराता है, एक ही जैसा 90 मिनट्स मैच खिलाता है, एक ही, कोई फन गेम नहीं है कोई, ये एक चीज है। मैं 3 चीज बोलना चाहता हूँ। सेकेंड थिंग है, कोई कोच का कोई प्लेयर के साथ, बड़ा प्लेयर के साथ ईगो नहीं होना चाहिए। आप सोचोगे मैं अभी आया हूं, मेरा लाइसेंस है, ये बहुत बड़ा प्लेयर है, इसको बैठाना है, कैसा बैठाना है, ठीक है, तो ये होना चाहिए। थर्ड थिंग, मैन मैनेजमेंट। आप मैन मैनेजमेंट जितना अच्छा होगा आपका, उतना आप सक्सेसफुल कोच होगे, उतना बड़ा कोच बन सकोगे। जैसे मैं ट्रेवर के बात बोलता हूँ, ट्रेवर मॉर्गन, वो बोलता ना तो अभी सुबह है, तो मैं बोलता हूँ अभी सुबह है, मैं बोल के नहीं, जितना प्लेयर हमारा बैच में था, सब, कोई खेले नहीं खेले, सब हैप्पी। मैं लास्ट मोहनमगन में था, एक कोच के नाम, मैं नाम नहीं कर नहीं नहीं नाम नहीं करूंगा, वो हाँ ऑफकोर्स जूनियर प्लेयर का ऊपर डिपेंड करना चाहिए, मालूम नहीं उसके साथ तो मेरा कुछ कभी हुआ था नहीं, ना कभी कभी बात हुआ था, वो नहीं खिलाया क्यों, उससे बड़ा नाम मेरा है, वो भी मैं प्रूफ भी कर दिया, मैं वोट बगैर जाके प्रूफ भी कर दिया था उसको कि यस आई एम द बेस्ट। मैं मैच हार रहा था, उतारा, मैं मैच जिताया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कोच के साथ। एक प्लेयर के साथ एक कोच का रिलेशन ऑलवेज भाई जैसा होना चाहिए, दोस्त होना जैसा होना चाहिए, आपको ईगो नहीं होना चाहिए।
और अभी कोच को कभी कोई प्लेयर के बारे में न्यूज़पेपर में, ओपन फोरम में या उसके पीछे कभी मत बात करो। आपको वो उसके बा उसका आपका बारे में कोई ना कोई आप वो प्लेयर को बोल देगा, है ना, तो उसका वो फीलिंग्स खराब आएगा कोच के बारे में। तो ये नहीं होना चाहिए। आपको कोच, अच्छा कोच बनना है तो ये सब आपको अवॉइड करना है। जूनियर प्लेयर ऑलवेज दरकार है, मगर उसके साथ साथ आपको एक्सपीरियंस प्लेयर भी चाहिए। जो मैच आज आज एल क्लासिको देख लो, के दिन पहले ही हुआ है एल क्लासिको। आप देखो दो प्लेयर जो सबसे एजेड है, एक टोनी क्रूस, एक जो लुका मॉड्रिच, दोनों मैन ऑफ द मैच था वो उस मैच में, है ना। तो हमेशा एक्सपीरियंस प्लस जूनियर प्लेयर, आपको दोनों कॉम्बिनेशन मिलके आप यदि टीम बनाओगे, और कभी ईगो प्लेयर ईगो नहीं होना था ये प्लेयर के साथ, तब आप अच्छा कोच बन सकते हो। इंडिया में बार बार बोला जाता है कि इंडियन का फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलपिंग है, फुली डेवलप नहीं हुआ, और स्टेट लेवल में तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और बहुत सारे टाइम्स प्लेयर्स ये भी बोलते हैं कि वो फर्स्ट्रेट हो जाते हैं कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सो सर, आपको क्या लगता है लीग ऑर्गेनाइजर्स और टीम मैनेजमेंट को क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे एक फुटबॉलर का सोशल लाइफ और फुटबॉलिंग लाइफ दोनों ही थोड़ी सी इजी हो जाए? देखो, एक तो है आपको फर्स्ट है कैरियर देना पड़ेगा, अच्छा कैरियर देना पड़ेगा। जो फुटबॉल में क्यों आएगा, आप मेरे को बोलो फुटबॉल में क्यों आएगा? सब प्लेयर आईएसएल खेलता नहीं है, और हम लोग अभी आई लीग देखते नहीं है। कौन प्लेयर, मैं तो आधा आधा क्यों, कोई प्लेयर को आई लीग का प्लेयर कोई पहचानता नहीं है, ठीक है। फर्स्ट है आपको, जैसा क्रिकेट में एक स्लैब स्लैब कर दिया है, ये ए ए ग्रुप में जो है उसका ये सैलरी, बी है बी में जो है इसका ये सैलरी, आप खेलो मत खेलो आप जो स्लैब में हो वो मिलेगा। सेकेंड थिंग, जॉब नहीं है। पहले आपको खेलने से जॉब मिलता, आपको घर में जो फैमिली है सब, तो मैं नहीं हूँगा कि मैं पागल हूँ, मैं पागल सच में अभी भी मैं पागल हूँ कि मैं जॉब छोड़ दूँ, वेन जी जी जॉब छोड़ दूँ, ठीक है। कोई ऐसा पागल नहीं होगा इंडियन में कि जॉब छोड़ दे, ठीक है। सब तो रिस्क नहीं, सब मैं तो बोलेगा भी नहीं ये जॉब छोड़ो, ये मेरा मेरा डिसीजन था, मैं छोड़ा, मैं किसी को बोलूंगा नहीं जॉब छोड़ के फुटबॉल खेलो। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको पहले तो सिक्योरिटी देना पड़ेगा कि प्लेयर का क्या सिक्योरिटी है। क्रिकेट खेलने से आपकी सब सब बच्चे का, जो रणजी में खेले या इसमें खेले, सबका कुछ ना कुछ है ना, मगर फुटबॉल में वो नहीं है। इसलिए कहाँ से बच्चा लोग आ रहा है, जो एकदम विलेज में है, जो एकदम खाता नहीं है, खाने पाता है, तो आपको वो चीज़ देने से फिर इंडियन फुटबॉल और एक मॉडल बनाना पड़ेगा। क्यों, वाई जापान क्यों इस जगह में है जापान, एक फुटबॉल मॉडल बनाना पड़ेगा, ठीक है। जो AIFF में बैठा है, जो सरकार में बैठा है, AIFF के साथ साथ सरकार को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, जो हर देश में होता है। सिर्फ क्रिकेट में आप रिस्पॉन्सिबल लोगे क्योंकि वहाँ पे बड़ा बड़ा एक्टर आता है, ये वो एन तैन, बहुत स्पॉन्सर है, आपको पॉपुलरिटी मिलता है, वोट मिलता है, वोट बैंक मिलता है, मगर आपको भाई फुटबॉल भी 203 देश खेलता है, क्रिकेट सिर्फ 8 देश, में कोई स्पोर्ट्स को छोटा नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 8 देश खेलता है, उसमें से 4 देश अच्छा है ना, मैं किसी स्पोर्ट्स को नहीं छोटा कर रहा हूँ। और इंडिया अब नंबर 1 है, सबसे ज्यादा कमाई BCCI के पास है, सबसे बड़ा बोर्ड है, तो आप फुटबॉल में भी इन्वेस्ट करो ना। हम लोग फुटबॉल अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट के नाम नहीं जानते, हम लोग मेसी को पहचानते हैं, माराडोना को पहचानते हैं, ब्राजील का प्रेसिडेंट को हम लोग नहीं पहचानते हैं, या पुर्तगाल का प्रेसिडेंट को नहीं पहचानते, हम लोग रोनाल्डो को पहचानते हैं। पुर्तगाल किसके लिए पहचान है, रोनाल्डो के लिए। माराडोना किसके लिए, मैंने अर्जेंटीना किसके लिए पहचानते हैं, हम लोग माराडोना के लिए। मेसी अर्जेंटीना किसके लिए पहचानते हैं, मेसी के लिए, पेले के लिए, ब्राजील को। तो कम ऑन यार, स्पोर्ट्स के लिए आप फुटबॉल के लिए कुछ करना है, और साथ साथ सबको आगे आगे आना है, एक मॉडल बनाना है जापान जैसा। कि जापान क्यों गया, किस लिए गया, आपको एक गार्जियन, जैसा मैं एक बाप हूं,
मैं मेरा दो बेटा है, मैं हमेशा चाहूंगा कि मेरा बेटा कुछ बड़ा होके बने या कुछ करे, उसका कुछ सिक्योरिटी चाहिए। क्योंकि क्रिकेट में है, आप इंडिया खेलो नहीं खेलो, आईपीएल 5 साल खेलो, आपका लाइफ सेट। अब जाता हूँ सर एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक में। आपने एक बार कहा था एक इंटरव्यू में कि 23 साल की उम्र में शादी करने के बाद आपकी लाइफ से डिसिप्लिन ही हुई है और आप जो इतने लंबे तक खेल पाए हैं इसका भी एक रीजन था। सो सर ये कैसा कैसे मैरिज आपके प्रोफेशनल लाइफ को भी हेल्प कर सकता है सर, ये कैसे कैसे संभव हुआ? हाउ डिड दैट हेल्प? आप मैं पहले तो बहुत डिसिप्लिन था, पहले बहुत मैं हर कुछ अवॉइड करता था। मोहन मगन खेलने के बाद थोड़ा दोस्त यार थोड़ा इधर उधर मेरा ध्यान भटक गया था। दिन मैं शादी करने के बाद रियलाइज़ किया कि यस मैं ये लाइफ मेरा ठीक नहीं, मेरे को ठीक लाइफ जाना पड़ेगा। और शादी के बाद डिसिप्लिन हो जाता है। मैं बहुत सुना है कि शादी के बाद प्लेयर खराब हो जाता है, खराब खेलता है। मैंने वो जो कॉन्सेप्ट है ना आदमी का, वो बिल्कुल बिल्कुल गलत है। आदमी एक डिसिप्लिन में आता है, आदमी एक मैंने हर काम डिसीजन लेके करता है, सेंस उनका काम करता है, बढ़ जाता है। तो ये होना चाहिए हर प्लेयर के। इसके बाद जो एक सवाल था जो मैं बहुत टाइम से पूछना चाहता था, पिछले साल के आई लीग सेकेंड डिवीजन में आपने रिटायरमेंट से कम बैक करके मदन महाराज टीम के लिए खेला। सो सर आपको आपके दिमाग में क्या था जब आपने ये डिसीजन लिया? ये एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी था, ऐसे आप मेंटर भी थे टीम के, सो हाउ डिड इट पॉसिबल? देखो पहले तो देखिए ये सब बहुत सारा वर्ल्ड में होता है यार। हुआ है कि पहले तो मैं डिसीजन लिया था, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मेंटर होके रहना है। तब मैं जब मैं टीम का टीम देखा, ये देखा वहाँ उन लोगों का मैनेजमेंट भी बोला दादा आप खेलो, आप ट्राई करो, एटलीस्ट 45 मिनट्स ग्राउंड में रहने से हो जाएगा। मैं बोला ठीक है मैं प्रैक्टिस तो करता हूँ, पहले पहले तो प्रैक्टिस करूँ उसके बाद मैं सोचूंगा। प्रैक्टिस किया, मैं देख रहा हूँ कि यस मैं तो खेल पा रहा हूँ, मैं तो खेल पाऊंगा। तो मैं आस्ते 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 से क्योंकि मैं अपने आप को फिट किया, फिट करने के बाद तो खेला, क्वालिफाई भी ऑलमोस्ट करने वाला था। बहुत प्लेयर इंजरी हो गया, इधर उधर हो गया, नहीं हुआ, मगर मैं नॉट बैड, मैंने खराब बहुत खराब मैं नहीं खेला, ठीक ठाक। पहले मैच 50-55 मिनट्स, 60 मिनट्स, देन 80 मिनट्स, देन 90 मिनट्स, मैं 5 मैच खेला, उसके बाद पूरा होल 90 मिनट्स खेला मैं मैच, अच्छा ही था, ठीक ठाक था। हर एक प्लेयर के करियर में एक पॉइंट आता है जब वो उसका लो पॉइंट होता है उनके करियर का और उनसे उनको रिकवर करना पड़ेगा। तो सर आपको अगर एक मोमेंट बोलना पड़े आपके करियर में जहां पे आप उतने टॉप में नहीं फील कर रहे थे और आपने कैसे उस पे रिकवर किया उस लोएस्ट पॉइंट ऑफ करियर से? हाँ ये है तो परफेक्ट आप बात कर रहे। जब मैं मेरा एक ग्रोइन में इंजरी था, इंजरी आया था, बहुत बड़ा ग्रोइन इंजरी आया था, तो डॉक्टर बोले थे यार आप करियर खत्म, आप नहीं खेल पाओगे। तो ये 2007 के बाद बोल रहा हूँ मैं, ईस्ट बंगाल आने के बाद, मोहन बगान से ईस्ट बंगाल आने के बाद। तो मैं एक जगह झील पे जाके बाइक के ऊपर बैठ के मैं रोता था, और वहाँ पे कुछ पत्थर बहुत जैसा था, मैं रोता था और पत्थर मारता था तालाब पे, क्यों मेरा मेरे साथ क्यों ऐसा, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों नहीं कम बैक कर पा रहा हूँ, क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहा हूँ, क्यों? ग्राइन इंजरी बहुत खराब इंजरी होता है, करियर खत्म हो जाता है। फिर टीममेट्स भी कोई साथ में नहीं था, आपके जब पूरा समय जाएगा ना जो आपके पास होगा वही असल आदमी है। तो इसलिए मैं अपने वाइफ को क्यों इतना प्यार करता हूँ, एक ही आदमी था वो है, मेरा वाइफ ही थी मेरे पास, और कोई आस पास में नहीं था। अपना टीममेट्स भी बहुत सारा दोस्त वोस्त क्रिटिसाइज करता था, सामने सामने बोलता था। तो मैं उस टाइम में सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मेरे को इसके ये ओवरकम करना पड़ेगा, प्रैक्टिस बढ़ाना पड़ेगा। मैं क्लब से जाके प्रैक्टिस करने के बाद मैं जाके खुद का प्रैक्टिस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करता था, फिर सुबह प्रैक्टिस जाता था, फिर शाम में आके प्रैक्टिस करता था। मैंने ये मैं उससे मैं 2 टाइम प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था। ऊपर तो सुबह तो हार्डवर्क करता ही था, उसके बाद मैं फिर इधर आके गया था। 1 साल लगा मेरे को, 6 महीना लगा मेरे को कम बैक करने के। मैं जब मैं कम बैक किया, बैंग, सब मेरे पीछे, मैं सबके आगे था। तो ऊपर अलग बहुत गर्म है,
मेरा डेडिकेशन है। मेरी वाइफ ऑलवेज बोलती थी कनो कोनो कोई बात नहीं कि आप कम बैक कर पाओगे, तो वही वही मेरे को काम आया कि कभी टूटना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ना चलना चलना चाहिए। आप जब कोई भी प्रॉब्लम में गिरोगे एज ए प्लेयर, हार्ड वर्क करने से आप कम बैक कर पाओगे। मैं कभी टूटा था नहीं, मगर मैं एक टाइम में टूट गया था कि मैं क्यों नहीं हो रहा है, ग्रॉइन इंजरी मेरा, फिर बहुत पेन होता था तो मैं क्या करूं, मैं कम बैक कर पाऊंगा नहीं, मैं खेला छोड़ दूंगा, ये वो है। इवन मैं नीतू दा को भी बोला था कि मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को रिलीज दे दो ये वो, तो नीतू दा बोला नहीं, नीतू दा को मैं हेड्स अप बोलता हूँ, बहुत सब आदमी के पास अच्छा नहीं होता है, मेरे लिए अच्छा किया है वो आदमी, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि यस इज लाइक माई गॉड फादर, मैदान का गॉड फादर है वो, कि उस टाइम वो रिलीज दे देने से मैं कुछ नहीं कर पाता, तो ठीक है, तो वो मेरे को उस टाइम सपोर्ट किया, तो मैं कम बैक किया और उनका इज्जत रखा। और भी एक स्टोरी है कि वो मेरा जर्सी नंबर चेंज किया थे 23 में, पहले साल ईस्ट बंगाल में था, उसके बाद जो 14 पे ना, उसके बाद मैं पीछे घूम के नहीं देखना पड़ा, मेरे को पीछे पीछे नहीं देखना पड़ा, तो वही उस टाइम में मेरे को लगा था कि मैं खेला छोड़ दूँ और मैं कम बैक नहीं, मगर मैं बोलता हूँ ना जो लिखा रहता है और हर वक्त आपको कभी कभी आपको रिटर्न देता ही है, कभी आपको फेलियर नहीं है, हमेशा कोई भी चीज़ हो जाए कोई भी प्रोफेशनल में आप हार्ड वर्क करो, ऑनेस्टी, आपको वो फल मिलेगा। आपका करियर तो बहुत इलस्ट्रियस करियर था, आपने आई लीग खेला, ISL खेला, नेशनल टीम के लिए रिप्रेजेंट किया, ट्रॉफी जीते, बट अगर मैं आपको एक मोमेंट को बोलने को कहूँ जो आपका ग्रेटेस्ट अचीवमेंट था फुटबॉल में, वो आप किसको बोलेंगे? देखिए ग्रेटेस्ट अचीवमेंट जो दिन मैं बेस्ट इंडियन मिडफील्डर हुआ था, उस दिन मैं छोटा सोचा था मैं ये झूठ नहीं बोलूंगा या बड़ा चढ़ा के नहीं बोलूंगा, ये कोई भी सब इंटरव्यू में मैं बोलता हूँ, मैं हमेशा सोचता था कि मैं अमित दास से भी अच्छा खेलना है, अमित दास से भी बड़ा प्लेयर बनना है, मेरे को इंडिया में टॉप प्लेयर बनना है, मेरे को एक नंबर प्लेयर बनना है, मैंने मीन्स एक नंबर मिडफील्डर बनना है। उस दिन जब मैं ट्रॉफी लिफ्ट किया मेरे हाथ में, उस दिन मेरा आँख में आंसू था, मैं कभी रोया नहीं, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ अंदर से। जब मेरा सपना पूरा हुआ, जब मैं ट्रॉफी लिया हाथ में, वो वाला था फीलिंग्स, वो बोल के मैं बयां नहीं कर सकता हूँ आपको। और एक सिचुएशन के बारे में जो बोलना चाहूंगा, बहुत सारे यंग जब हम बड़े हो रहे थे, जब हमारा 9-10 साल का उम्र था, ईस्ट बंगाल वर प्लेइंग ग्रेट, हम 11-12 साल के हुए, सो बहुत सारे जो यंग प्लेयर्स थे, मेरे बहुत सारे फ्रेंड जो फुटबॉल प्रैक्टिस करते थे, बहुत सारे ऐसे थे जो सिर्फ गेम देखते थे, बहुत सारे आपसे इंस्पिरेशन लेते थे मिडफील्ड में, और आपका पेयरिंग विद पेनोट जी तो बहुत फेमस था, मोहन बागान के फैंस चीर जाते थे और ईस्ट बंगाल के फैंस उन लोगों टॉन्ट भी मारते थे कि हमारे पास बेट मिडफील्ड पिवट है विद पेनोट जी एंड मेहता बसेन। सो सर आप क्या टिप्स देना चाहेंगे तो ऑल द यंग इंडियन मिडफील्डर्स और जो खेलना चाहते हैं एंड एवरीथिंग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जैसे कोई एक्सपीरियंस उन्हें टिप्स दे। आपको कोच जो बोलते हैं वो करो, हार्ड वर्क सिर्फ एक टाइम, आप फुटबॉलर बनना ही है, जब आपको जितना से जितना 12-13-14 साल तक अपने आप को रेडी करना है, हार्ड वर्क करना है, आग में पत्ती बाल लेना है कि मैं यदि फुटबॉल खेलना है, सब कुछ रेडी करना है, अपना बॉडी केयर करना है, अपना बॉडी को रेडी करना है, कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि कोई 10 किलोमीटर दौड़ेगा तो मैं 15 किलोमीटर दौड़ेगा, जब बेस्ट बनना है तो ये अपने आप को इतना पेन दो, ठीक है, अपने आप को इतना पेन दो, बोलता है ना नो पेन नो गेन, अपने आप को इतना पेन दो कि आपके पास जब आप खेलना स्टार्ट करो आपके आसपास में कोई नहीं आ पाए, 10 माइल तक दूर रहना है, जब मैं खेलूंगा तो मेरे से हर प्लेयर सोचेगा कि इसके पास जाने में जाओ कि जाओ नहीं, तो ये करना है, ये ऐसा हार्ड वर्क करना है, तो पेन देते रहो, आप वो बोलते हैं ना वो जो लोहा को पिट पिट के जब सीधा करते हैं ना, जब आग में देके उसके बाद, वो करने हैं आपने आपको,
जितना पेन दोगे उतना आपको गेन मिलेगा लास्ट में, मगर आप जो सोचोगे थोड़ा प्रैक्टिस करें सब कुछ करें लाइफ में, तो आप एक ग्रेट प्लेयर, ठीक है, मीडियोकर जैसा प्लेयर हो सकते हो। सैक्रिफाइस नहीं करोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा लाइफ में। मैं अभी भी, आप बिलीव नहीं करोगे, अभी भी मैं ऑफिस प्रैक्टिस होता है या कहीं भी होता है, मैं अभी भी 2 घंटा प्रैक्टिस करता हूँ। आज भी ये तो सर गेम के लिए डेडिकेशन, बहुत बहुत ज्यादा डेडिकेशन होना पड़ेगा अगर आपको बेस्ट बनना है। ये तो एक चीज है जो आपने बोला, सब कुछ त्याग देना पड़ेगा। आप मीडियोकर प्लेयर बोलो तो ठीक है, आप एक ग्रुप खेलो, प्रीमियर लीग खेलो, ठीक है। आप सोचो कि मैं देश का, कंट्री का बेस्ट प्लेयर बनना है या ईस्ट बंगाल मोहनबगान का बेस्ट प्लेयर बनना है, तो आपको त्याग करना पड़ेगा। इंडिया में तो आप इतने साल तक खेले, और इंडिया में लीग खेलना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि समटाइम्स आपको नॉर्थ ईस्ट में जाना पड़ेगा जहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत हार्श है, ठंडा है, उसके बाद आपका सडनली मैच साउथ में हो सकता है, बेंगलुरु में या केरला में जहाँ बहुत गर्मी, फिर बंगाल में, तो बॉडी कैसे आप एडजस्ट करते थे इतने सारे कंडीशन में खेलना, होम ग्राउंड अवे ग्राउंड, और इंडिया तो एक कंटिनेंट है, अपने आप में एक कंटिनेंट है, और इतना सारा कंडीशन। फूड हैबिट बहुत दरकार है, फूड हैबिट आपको जल्दी ठीक हुआ कोई भी सिचुएशन में, आपको कौन सा जगह में जाके कौन सा फूड लेना है, ठीक है, आपको फूड हैबिट और जैसा ठीक ठीक आपको पानी पीना है, कितना फ्लूड लोगे, कौन सा जगह में कितना फ्लूड लोगे, गोवा में कितना फ्लूड लोगे। आप सिर्फ हमारा यहाँ नहीं है, आप ब्राज़ील चले जाओ, ब्राज़ील में भी सेम हमारा जैसा यहाँ पे वेदर है, कुछ जगह ठंडा है तो कुछ जगह गर्म है। USA में भी चले जाओ, कुछ जगह ठंडा है तो कुछ जगह गर्म है, कुछ जगह ऐसा मुंबई जैसा है, तो सब जगह आपको ऐसा है। मगर वही मैं बोल रहा हूँ ना, सब जगह ही ऐसा है, आप सिर्फ यूरोप में छुड़ा के सब जगह वेदर ऐसा ही, कुछ ऐसा ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको एक मॉडल नहीं बनाने से, कहीं भी आपको कुछ, कहीं भी वेदर में लेके चले जाओ, पूरा एक साल जाके ब्राज़ील में रखो या यूरोप में रखो, कुछ नहीं होना है, ठीक है। बहुत से बहुत ज़्यादा एशिया में पहले कोशिश करो कि कैसा डेवलप कर, एशिया में कैसा हम बीट करेंगे जापान कोरिया को, उसके लिए रेडियो, देन उसके बाद यूरोप लैटिन अमेरिका के साथ हम लोग कोशिश करेंगे। आपका फ्यूचर में प्लान क्या है, क्या सोचा है, कुछ सोचा है? तो अभी कुछ नहीं सोचा हूँ, ठीक है, अभी कमेंट्री कर रहा हूँ, तो कमेंट्री को और भी छुरी जैसा बनाना है, अच्छा धार वाला छुरी, अच्छा करना है, और भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ वो मैं अच्छा करने का कोशिश करता हूँ, और भी डेवलप करना है अपने आप को, मैं कुछ अभी भी नहीं सीखा हूँ, जो मैं एक्सपीरियंस है फुटबॉल के देखता हूँ वो मैं कोशिश करता हूँ बोलने का, और भी ग्रूमिंग करना पड़ेगा खुद को। सो कैप्टन्स, दैट वॉज ऑल फॉर टूडे, अ बिग बिग थैंक्स टू मिस्टर मेहताब हुसैन फॉर बींग विद अस टूडे, टू ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स, थैंक्स अ लॉट फॉर ट्यूनिंग इन, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच पॉडकास्ट लाइक दिस, अंटिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम आर्म बैंड।